हेलो गाइस, गार्डन इज माई पेशेंट चंगन में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये चमेली का पौधा है। चमेली का प्लांट बड़ा ही सुंदर प्लांट होता है। उसमें जो फूल आते हैं बड़े खुशबूदार और महकते रहते हैं। अगर आप इसके पौधे की बगल से निकलोगे तो खुशबू से एकदम मन खुश हो जाता है। बहुत ही सुंदर पौधा है। अब इसकी गर्मी में केयर कैसे करें, ये गर्मी में ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है। वैसे फूल इसमें हमेशा थोड़े थोड़े आते रहते हैं, पर इसमें जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो फूल बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं और इसमें खिलते ही रहते हैं। अगर आप इसका बड़ा पौधा करना चाहो तो बड़ा हो जाता है, नहीं तो कटिंग करते रहो, छोटा ही गोल अच्छा हो जाता है। इसमें आप टाइम टाइम पर थोड़ी बहुत खाद बर्मी कंपोस्ट डालते रहें और ज़्यादा सुंदर और हेल्दी बनाने के लिए DAP के दाने डालते रहें और गुड़ाई करते रहें और पानी मिनिमम मात्रा में डालते रहें। पौधा फूल देता रहेगा और गर्मी बल चलता रहेगा। जैसे ही गर्मी खत्म हो तो आप इसकी कटिंग कर दें। थोड़ी बरसात में भी कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि नए नए पीके और कोमल निकलते हैं तो फूल और अच्छे सुंदर आते हैं, जिससे पौधा भी सुंदर लगता है। अगर बड़ा करना चाहते हो तो इसकी कटिंग आप ना करके सीधा बढ़ने तो वो बड़ा हो जाता है। बेटर यही रहेगा कि आप कटिंग करते रहो इसकी और बढ़िया इसमें पानी डाल के गुड़ाई मुड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हो, गोबर की खाद डाल सकते हो और अगल बगल DAP के दाने भी डाल सकते हो, जिसके पौधा हेल्दी और मजबूत बन जाता है और फूल हमेशा देता रहता है। फूल में वैसे इसकी कमी नहीं आती। ये पौधा गमले में लगाए तो, और गमले में देना बंद हो गया है और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो शाम के टाइम इसकी रिपोर्टिंग कर दें। गमले को अच्छे से निकाल के इस पौधे की रिपोर्टिंग करें, खाद मिला के उसमें दोबारा से गमले में लगाएं, जिससे कि पौधे में थोड़ी मजबूती और ताकत आएगी। थोड़ा खाद भी डालें उसमें, जिससे कि फूल देना शुरू हो जाएगा। इसमें छोटी वाली चमेली भी आती है, वो भी बहुत खुशबूदार होती है। थोड़ा बड़ा वाला फूल है ये, बड़ी चमेली हमारे यहाँ ज़मीन में लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा फूल दे रही है। और भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और इसकी बगल से निकलते हैं तो खुशबू से मन महक जाता है। तो आप भी लगाएं, गर्मी में इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर पड़ती। गर्मी में आप ऐसे ही इसको चलता रहता, थोड़ा सा खाद डाल दो, DAP डाल दो, बर्मी कंपोस्ट डाल दो और पानी देते रहो। ये फूल देता रहता है, कभी फूलों की कमी महसूस नहीं होने देता। फूल इसका बहुत ही सुंदर होता है, खुशबूदायक होता है। अगर आप इसको तोड़ के अपने कमरे में या कहीं भी रखते हो तो फूलों से महकने लगता है। आप इसको ज़रूर लगाएं, गर्मी में बहुत अच्छा पौधा है।